भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, मेरठ नगर निगम में जांच के नाम पर चल रहा खुला भ्रष्टाचार, किया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार के साथ खिलवाड़। मेरठ नगर निगम आयुक्त द्वारा 17 नवंबर को एक जांच सहायक नगर आयुक्त को दी गई थी, जिसमें दिल्ली रोड डिपो के कई हजार करोड़ की स्क्रैप चोरी के संबंध में दी गई थी, जिसमें सभी सबूत थाने की FIR और सुबह की सबकी फोटोकॉपी लगा दी गई थी, जिसके देखते हुए नगर आयुक्त द्वारा सहायक नगर आयुक्त को जाँच सौंपी गई थी। लेकिन सेटिंग के खेल में सहायक नगर आयुक्त ने रहस्यमय तरीके से इसको दबा दिया और दिल्ली रोड डिपो के प्रभारी को अमृत पिला दिया। ऐसे ही दिल्ली रोड डिपो पर डोर टू डोर कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों को पेंटिंग चक्कर का भी डीजल मिलता है, लेकिन लोहिया नगर पर भी उनकी एंट्री 3 बार दिखाई जाती है और ऐसे ही डीजल की चोरियां होती रहती हैं। इसकी भी रहनुमाई सहायक नगर आयुक्त ही कर रहे हैं। पहले दिल्ली रोड डिपो के डिपो प्रभारी भी रह चुके हैं सहायक नगर आयुक्त। जब उन्हें यह जांच सौंपी गई थी, इसकी शिकायत उत्तर प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार को भी भेजी जाएगी और डिपो में से सारा स्क्रैप बाहर निकाल दिया गया ताकि इस राज को परमानेंट दफन कर दिया जाए और स्क्रैप से नीलाम हो जाएगा तो सारा मामला दफन हो जाएगा और कोई भी सबूत नहीं बचेगा। यह चलना है मेरठ नगर निगम में। अब देखते हैं कि इस पर उत्तर प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार जाँच को दबाने पर किन किन अधिकारियों पर मुकदमा दायर करती है और अपनी गाज गिराती है। मेरठ से BK गुप्ता की खास रिपोर्ट। मेरठ नगर निगम में हमने स्क्रैप चोरी की एक प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें नगर आयुक्त के द्वारा सहायक नगर आयुक्त को स्क्रैप चोरी करने की जांच सौंपी गई थी, लेकिन सहायक नगर आयुक्त ने डिपो प्रभारी गजेंद्र सिंह को अभय दान देते हुए जांच को दफन कर दिया, जिसमें डीजल की चोरी भी आती है, सब कई मुद्दे आते हैं और अब उस जांच को बिल्कुल ख़त्म करने के लिए गजेंद्र सिंह ने सारा स्क्रैप बाहर निकलवा दिया ताकि राज सारा ख़त्म हो जाए। ये सहायक नगर आयुक्त की जो है भ्रष्टाचार चरम सीमा लांग चुका है, उत्तर प्रदेश सरकार को कथा कथित बदनाम करने में लगा हुआ है, जिसकी जांच हमारे द्वारा माननीय प्रधानमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मांगी जाएगी, जिसके लिए योगी आदित्यनाथ जी से और मुख्य प्रधानमंत्री महोदय से यह भी कहा जाएगा कि जिन्होंने जांच की पत्रावलियां दाब रखी हैं, अधिकारियों ने जांच को दाब रखा है, पत्रावलियां गायब कर रखी हैं, उनके खिलाफ मुकदमे दायर हों और जिन्होंने उच्च न्यायालय को बदनाम करने की कोशिश की गई है उसके खिलाफ मुकदमा कायम होकर जेल भेजा जाए, तत्काल मुकदमा कायम करके जेल भेजा जाए। जय हिंद जय भारत। सियासी गलियारों से लेकर खेल के मैदान तक एंटरटेनमेंट के तड़के से लेकर कारोबार के उतार चढ़ाव तक मंदिरों में बजती घंटियों से लेकर दरगाह की नमाज तक जुर्म के दलदल के हर झूठ का करेंगे पर्दाफाश। यहां हर खबरें उगलेंगी, हर कातिल के राज खबरें नहीं, खबरों का सटीक विश्लेषण। क्योंकि आप देख रहे हैं अखंड न्यूज़ 24।